कर्मचारियों की खत्म हुई टेंशन, कांग्रेस दे रही ओल्ड पेंशन। राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दिया 6 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ। अब मध्य प्रदेश में भी लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे शिवराज ने ठगा नहीं। उन्होंने कहा, बीमार व्यक्ति इस राज्य में किसी हाल में बचा नहीं, चिकित्सा मिलना हुआ दुश्वार, पूरे प्रदेश को बनाया बीमार। कांग्रेस ने स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि मध्य प्रदेश एक बीमार प्रदेश बन गया है, शिवराज सरकार ने किसी वर्ग का भला नहीं किया। इसी का नतीजा है कि 13,000 चिकित्सकों ने सरकार के कुप्रबंधन के खिलाफ धरना दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट के हेल्थ इंडेक्स में मध्य प्रदेश 19 प्रदेशों में 17वें नंबर पर है। शिवराज सिंह चौहान पर तगड़ा हमला बोलते हुए रागिनी नायक ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे शिवराज ने ठगा नहीं, बीमार व्यक्ति इस राज में किसी हाल में बचा नहीं, चिकित्सा मिलना हुआ दुश्वार, पूरे प्रदेश को बनाया बीमार। यही कारण है कि इसी साल मई की बात है, 13,000 डॉक्टर्स ने, 13,000 चिकित्सकों ने शिवराज शासन में कुप्रबंधन के खिलाफ यहां पर धरना दिया था, स्ट्राइक की थी। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई जो देश के हेल्थ इंडेक्स की बात करती है, तो अगर हम हेल्थ इंडेक्स की तरफ देखें, स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ या स्वास्थ्य के ढांचे की तरफ देखें, पूरे देश के हर प्रदेश के ढांचे में, तो मध्य प्रदेश 19 प्रदेशों में से 17वें पायदान में। आपकी शुरुआत ये कहकर करूंगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे शिवराज सिंह ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे शिवराज सिंह ने ठगा नहीं, बीमार व्यक्ति इस राज में किसी हाल में बचा नहीं, तो चिकित्सा मिलना हुआ दुश्वार, पूरे प्रदेश को बनाया बीमार। चिकित्सा मिलना हुआ दुश्वार, पूरे प्रदेश को बनाया बीमार। और आज बीमार से ही शुरू करती हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि मध्य प्रदेश की जब भी बात होती है, बीमारू बीमारू बीमारू, दुख होता है ये सुनकर, लेकिन सूरत हाल ये है कि केवल प्रतीकात्मक रूप से मध्य प्रदेश बीमारू नहीं रह गया है। अगर हम चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश सही मायने में एक बीमार प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए रागिनी नायक ने कहा कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी के लिए तरसाया है, मोदी जी ने 15 लाख रुपए के लिए तरसाया है, मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के लिए तरसाया है, मोदी जी ने डॉलर और रुपए की कीमत बराबर करने के लिए तरसाया है, मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम 40 रुपए तक लाने के लिए तरसाया है, मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। देखिए, मोदी जी ने किस किस चीज के लिए तरसाया है भैया? मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों के लिए तरसाया है, मोदी जी ने 15 लाख रुपए के लिए तरसाया है, मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के लिए तरसाया है, मोदी जी ने डॉलर और रुपए की कीमत को बराबर करने के लिए तरसाया है, मोदी जी ने पेट्रोल डीजल के दाम को 40 रुपए तक लाने के लिए तरसाया है। तो वो कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। मोदी जी जरा अपने जो कलफ का कॉलर का 10 लाख का सूट पहनते हैं, उसके अंदर ऐसे गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। हर परिवार को 25 लाख तक मुफ्त इलाज, दुर्घटना में 10 लाख की मदद, हर घर 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।